अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ शाहजा खान और आप देख रहे हैं ग्रेटर्स ऑफ लाइफ। तो मेरे हाथ में आपने ये किन्नू देखकर समझ ही लिया होगा कि आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ। तो जी जनाब, मैं आज बात करने वाली हूँ विटामिन सी की, जो कि विंटर में हम लाजमी खाते हैं, हर कोई खाता है, ठीक है। तो हम खाने के साथ साथ क्यों ना हम इसको अपने फेस पर भी लगाएं, क्या ख्याल है भाई। अंदर की चीज तो आप ही ने खानी है, ठीक है। अब हम जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे इसका छिलका, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेमेडीज की तरह। ओ, जाने से पहले लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरह। तो नाजरीन, हमें विटामिन सी सीरम बनाने के लिए चाहिए ऑरेंजेस। डेफिनेटली विटामिन सी सीरम बनाएंगे तो हमें ऑरेंजेस चाहिए, और हमें चाहिए ग्रेटर जिसको कद्दूकस भी कहते हैं, और एक बाउल ले लें या प्लेट्स ले लें। अब हम इसको करेंगे ऑरेंजेस को पिल ऑफ। पिल ऑफ हमने कैसे करना है, हमें इसको कद्दूकस करना है, ठीक है। ये देखें, कोशिश कीजिएगा इसका व्हाइट पार्ट ना आए। इससे वैसे व्हाइट पार्ट आ भी जाए तो इससे ना तो आपको कोई फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा, ठीक है। ये इस तरह से हम कर लेंगे और कोशिश कीजिएगा हाथ में ना लगे। ये मैं इसको पूरा करती हूँ और फिर आपके पास आती हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमने इसको कर लिया है कद्दूकस, ठीक है। ये देखने इसकी कुछ हालत ऐसी हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन सी जो है ना सिर्फ खाने में होता है। तो यार, विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा खाने में तो होता है, नो डाउट, लेकिन विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा जो है वो होता है इसके छिलकों में। मैं आज आपको कुछ भी जाया करने नहीं दूंगी, ये याद रखिएगा। हम खाएंगे भी इसको और लगाएंगे भी इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब हम लेंगे एक बाउल, ये देखें, बाउल में हम ले लेंगे ये सब। आपको नजर आ रहा होगा, आई होप। हाँ, इसमें ये ऐड कर देंगे बाउल और एक सेकेंड सॉरी, मुझे है खांसी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। ये मैं प्रिजर्व एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आपने भी यही लेना है। एक हो गया और ये निकला भाई, निकला। आज इसको भी दी एंड होना था। खैर, ये 2 चम्मच हो गए एलोवेरा जेल के। अब हम क्या करेंगे, इस एलोवेरा जेल को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये देख लें, ये हो गया है मिक्स। अब हम इसको छोड़ देंगे, हमने इसको हीट पर नहीं रखना, ये बात याद रखिएगा। हीट पर हमने नहीं रखना, चूल्हे पर हमने इसको बगैर हीट के ही हमने इसको सीरम को रेडी करना है। अच्छा जी, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ठीक है। ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए। जब ओवरनाइट गुजर जाएगी, जब एलोवेरा जेल और विटामिन सी जो है इसमें एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे, तो फिर हम इसका सीरम बनाएंगे।
तो नाइट तक इसको रख देती हूँ मैं और फिर मॉर्निंग में मैं आपके पास आऊंगी। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, हमने जो किया था रात भर, ये देख लें मिक्सचर हमारा, हमने ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दिया था एलोवेरा और जो हमने ग्रेट किए थे संतरे के छिलकों को, जिसका हमने वाइट पार्ट्स नहीं लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको इस स्ट्रेनर से छान लेंगे और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ठीक है, मैं सब इसमें डाल लेती हूँ। ये देखें जितना भी है सब इसको इसमें डाल लें ताकि एक ही बार इसको ग्रेट कर लें। सॉरी, इसका एक्सट्रैक्ट जो है हमारे पास आ जाए। विटामिन सी से जो है बहुत सारे फायदे हैं, खाने में भी है और लगाने में भी है। लगाएंगे हम कैसे, अब मैं आपको बता दूंगी। जिस तरह मैं इसका सीरम बना रही हूँ, इसी तरह आप इसकी जो है क्रीम भी बनती है, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बनाना बताऊंगी। विटामिन सी से जो है हमारे जो इवन टोन अन इवन टोन हमारी स्किन होती है, जो पैचेस पड़ जाते हैं, ब्लैक डार्क हेयर्स, डार्क सर्कल हो जाते हैं हमारे, वो भी रिमूव हो जाते हैं। मैंने ये खुद भी आजमाई है, मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये देखें आप अच्छे से इसका ये एक्सट्रैक्ट जो है ये एलोवेरा जेल में आ गया था और अब मैं इसको सीरम के तौर पे एज अ यूज करूंगी आप लोगों के सामने। और इसको आप फेंकेगा नहीं, इसको चाहे तो आप एज अ मास्क दही लेकर, दही जो होता है ना, योगर्ट जिसे कहते हैं, कर्ड भी कहते हैं, उसमें इसको मिक्स करके अपने फेस पर एज अ फेस पैक आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ साइड पर। और अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी बादाम का तेल। ये मीठे बादाम का तेल है, आपको नज़र आ रहा होगा। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे ये बादाम का तेल। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे। ये देखें बादाम का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन जो होती है लाइट जो लूज हो जाती है स्किन, उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इससे अपने फेस का मसाज करें, ये अरोमा थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई का कैप्सूल, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा इजीली, ये 10 रुपए के 3 मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके आपको ये ना मिले ना कॉस्मेटिक्स की शॉप से, तो आप फिर कीजिएगा ये देखिए ईवियान के नाम से भी विटामिन ई का कैप्सूल्स मिल जाते हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कितनी रनी है, और ये बहुत ही अच्छा हो मैं आपको लगा। तो नाज़रीन, हमारा विटामिन सी सीरम जो है तैयार हो गया है, जो कि इससे तैयार हुआ है इसके छिलकों से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और आपको एप्लीकेशन में मैं आपको अगेन बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहेंगे। देख लें इसका कलर बहुत खूबसूरत सा आया है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ठीक है, ये देखें अच्छा। इसको आप अगर नाइट में लगाकर सोएंगे तो इसके बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे आपको, दिन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाकर आप धूप में नहीं जाएंगे। ठीक है, धूप में नहीं जाइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी विटामिन सी वाली वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर लिखिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको कहूंगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेमेडीज जो कि आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करेंगी। तो मुझे जब तक के दीजिए इजाजत।